आज की हमारी ये मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो संदीप परदेसी और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत अद्भुत प्रॉप के साथ किया जा रहा है। गणपति बाप्पा सफर देवा तेरे द्वार आया, धूप नहीं है मेरी छाव नहीं मेरी, सब कुछ है तेरा बाप्पा मेरे यहाँ। बिल्कुल, क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां संदीप परदेसी और उनकी पूरी टीम के लिए होनी चाहिए। मंगल कार्य का मंगल प्रारंभ, मंगल मूर्ति के नाम से, क्या बात है। तो मेरी आवाज सुनो सीजन 6 आपके सामने लेकर फिर एक बार मैं आपका दोस्त और आज की शाम का होस्ट मोहसिन आपसे रूबरू हूं। नमस्कार कहता हूं आपको, प्यार भरा आदाब प्रस्तुत करता हूं और स्वागत भी कर रहा हूं। खास करके हमारे अतिथि विशेष जितने भी बैठे हैं उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ उपस्थित रहने के लिए, और जितने पूर्व सैनिक सेवा दल के भी तमाम खूबसूरत चेहरे, गौरवान्वित चेहरे हमारे सामने हैं, उन सभी को भी मैं वेलकम कहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जी हां, हमेशा मेरी आवाज़ सुनो का जो कहते हैं मजबूत हिस्सा, जो बैकबोन रहे हैं, वो आप जैसे बड़ौदा शहर के बहुत ही सन्निष्ठ और बहुत ही समझदार रहने वाले रिहायशी लोग, आप बड़ौदा वासियों का भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच कि हमेशा टीम के एन के एड वन के साथ आप जुड़े हैं, और आरिफ जी और बीना जी को हमेशा आप सपोर्ट करते हैं।
मिला जुला आज का हमारे कार्यक्रम पिछली 5 सीजनों की तरह ही होगा, डांस गीत और उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय करेंगे हर सीजन की तरह इस सीजन को भी। चलिए आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं बड़ौदा शहर के जाने पहचाने तमाम अजीज़ म्यूजिशियन दोस्तों को आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। सरगम ग्रुप बड़ौदा का एक बहुत जाना पहचाना नाम, मयूर पटेल उसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही यंग टैलेंटेड हैं, और उनके सभी बाकी साजिंदे सभी म्यूजिशियंस, लीड गिटार पर प्रेम दलवी साहब, ड्रम पर अनिल शिंदे जी, ऑक्टोपेड पर दर्शन जी, तुम्बा पर शानू एंड कॉन्गो ढोलक पर चिराग। तो ये पूरी टीम है जो बस गीतों में आवाज़ के साथ साज मिलाने की कोशिश करने वाली हैं। और अब रहा सवाल यहाँ कौन आने वाला है, तो एक ऐसा कलाकार जो बहुत सहज है, बड़ौदा ने हमेशा इस कलाकार को बहुत प्यार दिया, और न केवल बड़ौदा ने बल्कि बड़ौदा का रहने वाला ये कलाकार बड़ौदा के बाहर भी जहाँ जहाँ गया, फिर वो चाहे हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर, छोटा गांव या कस्बा हो, या फिर हिंदुस्तान की 7 सरहदों के पार लंदन, अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, वेस्ट इंडीज जैसी सरजमी, बहुत इज्जत इस कलाकार ने पाई है। बाकायदा तालीम याफ्ता बड़ौदा शहर की जानी कॉलेज से तालीम याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं, और इतना सहज गाते हैं ये कि क्या कहने। आइए जोरदार तालियों के बीच आनंद विनोद को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। आनंद भी है, थैंक यू, और विनोद भी है। किसी और चीज की आवश्यकता है नहीं, जहां आनंद और विनोद दोनों एक साथ हों वहां सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन, भले ये विद्या बालन नहीं है। थैंक यू मोहसिन, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मैं मेरी आवाज़ सुनो सीज़न 6 के लिए आरिफ जी और बीना जी का बहुत फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, वापस उन्होंने इस मंच पर मुझे आने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जोरदार तालियां होनी चाहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, अब पता चला आपकी सेहत का राज। बहुत इडली खाते हैं आप। इडली इडली खाओ, इडली इडली खाओ। ब्रांड एम्बेसडर हैं आप इडली के। एक बार जोरदार तालियां आनंद विनोद जी के लिए होनी चाहिए। बहुत अद्भुत, बहुत इतना नेचुरल और सहज कलाकार है कि क्या कहें, बस सुनते रहें ऐसा मन करता है। हसरत जयपुरी साहब का लिखा, शंकर जयकिशन जी का संगीत बद किया हुआ, ये फिल्म अंदाज का बहुत ही प्यारा गीत था। किशोर दा का अपना एक खास खुद का मोनोपोली जॉनर, इसको कह सकते हैं यॉडलिंग। भारतीय सिने संगीत में किसी और के पास ये कहते हैं खासियत नहीं थी जो किशोर दा के पास थी। आइए, बड़ौदा को बहुत सारे लोगों ने साल दर साल, ये विरासत पिछले 700 सालों से चली आ रही है। हमेशा कहता हूँ सर कि एक ऐसा शहर है ये तहजीब का, संस्कृति का, कि जहाँ से पूरी दुनिया में संगीत, खास करके वो भी भारतीय संगीत फैलता है, है ना। यहाँ महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय संगीत का, और साल दर साल ऐसे ऐसे कलाकार उस विद्यालय से पढ़कर बाहर आते हैं जो बड़ौदा को पूरे विश्व में गौरवान्वित करते हैं। एक ऐसा ही नाम है अगली पादान पर, ये मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि वो कॉलेज गए कि नहीं गए, लेकिन बड़ौदा के लिए तो गौरवशाली नाम है। ये कलाकार को जब फर्स्ट अपेयरेंस टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा गया था तो बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाया होगा इनका। और जी हाँ, खुद इंडियन आइडल ने इस वीडियो को वायरल इसीलिए किया कि लोग इस कलाकार को देखें और इनका मजाक बनाएं और इसको वायरल करें। क्यों? कि इस कलाकार को बोलने में बड़ी परेशानी होती थी, बात करने में बहुत कतराते थे ये, लेकिन जब इन्होंने गाया तो संजय लीला भंसाली, श्रेया घोषाल जी, सोनू निगम दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गए। तो वो कलाकार अब हमारी आज की सीजन 6 का अगला एक बहुत प्यारा गीत लेकर आपसे मुखातिब है। एक्स फैक्टर शो, बहुत इस कलाकार को इज्जत मिली और उसके बाद क्या था, कभी मुड़ के नहीं देखा। के जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो इस अद्भुत कलाकार का। तुमने दिल खेले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तो दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने का क्या चाहे। Sing very beautiful song, one of my favorite singer Arijit Singh. Ek baar zordar se taali Arijit Singh ke naam ho chahiye, please. Love you. I'm
सावधानी से ये जिंदगानी मैं रूम है जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं जागे तो रहते ना तू देख ले मौताज मंजिल का तो नहीं Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ बिल्कुल बहुत कमाल का गाया आपने. आइए अगले एक और कलाकार को आपसे मिलवा रहा हूँ. बहुत ही खूबसूरत प्यारा और दिलकश अंदाज रखती हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये नवरात्रा का जो त्यौहार है हमारे तो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से बड़ौदा की नवरात्रि इस साल भी नहीं होगी अहमदाबाद में भी नहीं होगी लेकिन ये कलाकार अमरीका जा रही हैं नवरात्रा के त्यौहार में वहाँ के हमारे गुजराती लोगों को गरबा घुमाने के लिए. लेकिन चलें थैंक गॉड के जाने से पहले वो हमारे साथ मंच साझा करने वाली हैं. मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियाँ वैभवी शाह त्रिवेदी के लिए होनी चाहिए. बहुत कमाल का अंदाज रखती हैं बहुत अलग जॉनर इनको हासिल है एक खास अपना एक मोनोपोली प्रेजेंटेशन लेकर आप तक पहुंचने वाली हैं हमारी ये प्यारी सी कलाकार. Do
ये रात में जो मजा है, मजा में कुछ नया नया है, कि दिल को आज क्या हुआ है, तू झूमता नजर रहा शक। अरे बहुत अच्छा गाया वैभव जी तुमने, कसम पैदा करने वाले की। ये फिल्म से बहुत ही प्यारा गीत था और बिल्कुल हमारी एमएलए साहिबा भी पधारी हैं, हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के साथ। एक और अद्भुत कलाकार। बड़ौदा एक ऐसा शहर है कि क्या से बढ़कर एक प्रतिभाशाली कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, और तमाम ऐसे कलाकार हैं कि जिनको हम शब्दों में अगर बांधना चाहें तो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे पंख पसारे हैं अपनी आर्ट, अपनी कला के दम पर, कि तारीफों के लिए हमें कई बार अल्फाज नहीं मिलते। अगली पादान पर एक ऐसा ही अद्भुत प्रतिभाशाली कलाकार, ये भी बड़ा सहज कलाकार है, अपनी ही आवाज़ में और अपनी ही धुन में ये गाता है, लेकिन जो भी गाना गाता है बस दिल में सीधा वो आवाज़ के ज़रिए उतर जाता है। बहुत प्रतिभाशाली हैं और आज हमारे साथ हमेशा ये भी सपोर्टिव रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो टीम के लिए, तो इनके इस जेनरोसिटी का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तालियां सनी जादव के लिए होनी चाहिए। We'll be right back.
दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए, देखिए कैसा मजा आता है। विद बी वन टू थ्री फोर देखा तुझको दिल में आया देखता ही रहूं तुझको दिल में आया देखता ही रहूं भीगे बदल को तेरे खिलता कवल कहूं मेरी नजर की तुम भी अरे मेरी नजर की तुम भी शौकीन हो गई हो 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 समुंदर में नहा के और भी हो जाए और जवा चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान हस्ती हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवा चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान पहले थी बेहतर पहले थी बेहतर अब तो बेहतरीन हो गई हो 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 समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो अरे लगा है प्यार का बोरन अरे लगा है प्यार का बोरन रंगीन हो गई समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो अब ये जो गाना मैं गाने जाने वाला हूं वो बहुत ही मीनिंगफुल गाना है मोहसिन भाई और इस गाने में एक छोटा सा एक्शन करना है मेरे साथ अपना राइट हैंड अपना एक बार प्लीज ऊपर करिए एवरीबॉडी ये बात ऑल ऑफ यू और इसको प्लीज और उसको धीरे से दिल पे ले जाइए अपने दिल पे और इसको एक बार और बोलिए आल इज वेल साथ में बोलिए आल इज वेल थोड़ा जोर से ऑल इज वेल इससे क्या होगा जितने भी टेंशन होगी जिस किसी की भी लाइफ में वो हल्की हो जाएगी है ना तो सबको मेरे साथ में गाना है इस गाने में साथ में गाना है और ऑल इज वेल ओके रेडी बिल्कुल टेंशन हल्की होनी चाहिए हाँ पेंशन हल्की करोगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं वो तो नहीं होगा नर ना 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 नर ने नर ना 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 नर ना ना ना
लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो को करके गो होटो को करके गोल सीटी बजा के बो लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल होटो को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा और कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल ओ भैया ऑल इज वेल ओ चाचू ऑल इज वेल ओ भैया ऑल इज वेल मैं चाहूंगा सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन जो मिला तू साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं जो तेरा बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ से तू तसला दे दिल इडियट है प्यार से इसको समझा दे तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल ओ चाचू ऑल इज वेल ओ भैया ऊपर करके एक बार फिर से थोड़ी लाइट हो जाए ऑडियंस में कमान कमान ऑल ऑफ यू मेक सम नॉइज गाइस ऑल ऑफ यू कमान वन टू कमान थ्री फोर स्कॉलरशिप की भीगा दारू गम तो फिर नहीं अगरबत्तियां रात हो गई गॉड तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख घुसेगी या साला की माँ होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भाई ऑल इज वेल ओ भाई ऑल इज वेल ओ चाचू ऑल इज वेल एक मिनट खाली की तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल साथ में ओ भैया ऑल इज वेल ओ दीदी ऑल इज वेल ओ भैया ऑल इज वेल ओ काका ऑल इज वेल ओ मासी ऑल इज वेल ओ भैया ऑल इज वेल हो आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल होटो को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा पर कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल ओ भैया ऑल इज वेल ओ चाचू ऑल इज वेल ओ भैया ऑल इज वेल ओ काका ऑल इज वेल ओ भैया ऑल इज वेल थैंक यू क्या बात है तो ऑल इज वेल और पिछले 17 महीनों के बाद ये डोज की बहुत ज़रूरत है ना लेकिन ऑल इज़ वेल ऐसे नहीं होगा कैसे होगा ऑल इज़ वेल अच्छा कितने जनों ने वैक्सीन लगवाई ये बताओ तब तो ऑल इज़ वेल है लेकिन आप जितने आप सिंसियर हैं समाज में अपने अड़ोस पड़ोस दोस्तों रिश्तेदारों में भी ये पैगाम ज़रूर भेजें
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी भी मेहरबानी हो, लेकिन हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये कह भी पाएंगे कि उनकी मेहरबानी, वरना हम ही नहीं होंगे तो मेहरबानी जो कर रहे हैं उनको दुनिया को पता कैसे चलेगा कि कौन मेहरबानी कर रहा है। उसके लिए हमें ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब ये एक छोटा सा पैगाम मेरी आवाज़ सुनो की टीम की ओर से, वैक्सीनेशन के लिए अपने अड़ोस पड़ोस दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर आप इन्वॉल्व करें और आप उनको बताएं कि आपने वैक्सीन ली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो जो भ्रम जो फैला है, गैर समझ बहुत सारी वैक्सीन को लेकर के है, उसको दूर करने में आप सरकार के जो है प्रतिनिधि बनकर काम करें, है ना। तो चलिए, जिस मकसद से हम पिछले लगातार 5 सीज़न से आपकी दुआएं, आशीर्वाद और प्यार पा रहे हैं, अब वही मकसद को यहाँ फिर एक बार सार्थक करना है। K&K@1 ये एक ऐसी टीम है जो बस अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एंड मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज बच्चों के उत्कर्ष के लिए, बेटरमेंट के लिए, समाज को कुछ करके हमारा अपना दायित्व निभाना है और कुछ करके दिखाना है। तो पहले तो ये पूरी टीम के लिए, खास करके आरिफ खान एंड बीना जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और आइए, जिन बच्चों के बेटरमेंट के लिए हम ये कार्यक्रम संजोए हैं, अब वो हमारे स्पेशल गेस्ट है आज के। ये सब सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ हैं, आमिर खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, काजोल, करीना कपूर। ज़ोरदार तालियां हमारे इन कलरव स्कूल ऑफ चिल्ड्रन के ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चों के लिए होनी चाहिए। और हमारी जो टीचर हैं वो कुछ कहना चाहेंगी। नमस्ते एवरीवन, कलरव स्पेशल स्कूल की तरफ से मैं अल्पा मंडावत आप सबका बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में इधर आए, पर हमारी ये बच्ची है वो कुछ कहना चाहती है। मारू नाम परस शर्मा से, मैं कलरव शर्मा बोलूँ छू। कोरोना में 1 वर्ष के अमे घर रेखा का बक्का गाय से मजा आई अने बक्का जो आए एनी मैं के थैंक यू अने सो मच। थैंक यू सो मच। जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर के कवाली शिरडी वाले साईं शिरडी वाले साईं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार और ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, और इन बच्चों के साथ साथ इनके जो मेंटर्स हैं, इनके जो टीचर्स हैं, उनके लिए विशेष तालियां। देखें कितना केयर करते हैं ये, और उनके साथ बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा, वो लोग भी डांस कर रहे थे साथ में। वाह, हेलो, काले गांधी जयंती हती तो अमारो एक स्टूडेंट छे, एक एक कहवा मांगे छे। ऊंदा नीनी जो मानुआ मिनी जे ने ना 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 जो जे ने दा नी ने जे नी ना मना नी ना नी ने नुने नुने ना 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 नी ने अमी मना ना 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 नी ने। ये बच्चे ने बोला कि वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, तो अहीं खाली वैष्णव जन नी बात नथी, जन जन नी बात छे के आपणे पोताना लोकोनी तो परवा करीए छे, पण ज्यारे आपणे बीजानी पीड़ाने समझीए ने तो ज आपणो मनुष्य जन्म सार्थक थयो गणाय। तो कलराव स्पेशल स्कूल ऑलवेज एना माटे काम करे छे, अने आरिफ भाई अने बीना खेमानी जी जे आजे सिक्स्थ टाइम आ प्रोग्राम अमारी साथे करी रह्या छे, तो एमने हुं खूब खूब अभिनंदन आपुं छुं કે ઓલવેઝ એ રેડી હોય છે મારા માટે। થેન્ક યુ સો મચ ઓલ ધ ક્રાઉડ, થેન્ક યુ। વાહ, મેં ચાહતા હું બચ્ચે યહીં રહેંગે, આપને બહુત અચ્છી બાત છેડી, મુજે ભી કુછ કહેને કા દિલ કર ગયા। વૈષ્ણવ વજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે, પર દુખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન ના। ગાંધી વિચાર કલ ભી સાર્થક થે, આજ ભી સાર્થક હૈ ઓર આને વાલી સદીઓ તક સાર્થક રહેંગે। अहिंसा के पुजारी, फादर ऑफ नेशन गांधी बापू आज पूजनीय है हमारे देश में। आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरी टीम के एन के एड वन बिल्कुल पूरी तरह से गांधी विचारों को समर्पित है। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना माने रे, है ना। इनमें से कोई बच्चा इनका नहीं है, है नहीं है, लेकिन जन जन की बात है ना। तो टीम के एन के एड वन को मैं दिल से सल्यूट करता हूं, क्या बात है, वाह। मेहमानों से विनती करूंगा आप मंच पर आए, आपका सम्मान जो है हमारे इन बच्चों के हाथों हम करवाना चाहते हैं। आदरणीय परम पूज्य पंकज कुमार गोस्वामी महाराज, हमारी आज की एक और खास मेहमान खसूसी बड़ौदा शहर की हमारी MLA श्रीमती सीमाबेन मोहिले जी, PSSP के प्रेसिडेंट आदरणीय दिनेश पटेल साहब, और इसी संस्था के आदरणीय फलीकर साहब, हमारे सुजल चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमेशा सपोर्ट करता आया है हमें, उसके आदरणीय श्री परेश भाई शाह साहब। मैं विनती करूंगा आप पांचों मेहमानों से कृपया आप मंच पर आएं, और हमारे इन मेहमानों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। और एक ख़ास नाम का यहाँ जिक्र करना आज बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि अब तक मैंने उनको देखा नहीं, उनका नाम पिछली 5 सीजन में लगातार मैं बोला लेकिन वो चेहरा मैंने देखा नहीं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व, गांधी विचार को ये भी समर्पित है, है ना, ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आज तक उनको मैंने देखा नहीं, आज पहली बार वो आए हैं फिजिकली। वैसे हमारे ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक के डॉक्टर अजीत गोहिल सर के लिए मैं ज़ोरदार तालियां चाहता हूं। लगातार 6 सीजन से इनका सपोर्ट है, पहली बार आज ये फिजिकली यहां उपस्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल मान बढ़ जाता है हमारा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं बीना जी से कहूँ, हमारे परिवार के बच्चों के हाथों सबसे पहले आज के हमारे मेहमान खसूसी अतिथि विशेष परम पूज्य पंकज कुमार गोस्वामी महाराज जी को बुके प्रदान करेंगे। जी जी जी, सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसके तहत मैं कहना चाहूँ कि KNK Ad1 ने जो हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है, स्पेशली आरिफ खान जो मेरे मित्र हैं और बीना खेमानी जी, आपका आमंत्रण ही हमारा स्वागत है। मेरा जो ये बुके है उससे मैं इन आदरणीय बच्चों का स्वागत करना चाहूँगा।
बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय परम पूज्य पंकज कुमार गोस्वामी महाराज श्री। मैं अब विनती करूंगा हमारी मेहमान एमएलए सीमा बहन मोहिले से कि आप हमारी परिवार के बच्चों के हाथों ये सम्मान स्वीकार करें। बड़ौदा शहर की एमएलए हैं आप। पीएसएसपी पूर्व सैनिक सेवा परिषद जी, मैम कुछ कहना चाहती हैं। जैसे महाराज श्री ने कहा उसी तरह से मैं कलवर ग्रुप की, कलवर स्कूल की टीचर्स का बुके से सम्मान करना चाहूँगी जो ये बच्चों को संभाल रहे और साथ साथ में अच्छा शिक्षण दे रहे। थैंक यू मैम। कलरव की हमारी जो टीचर्स हैं उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं विनती करूंगा हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रेसिडेंट आदरणीय दिनेश पटेल साहब को हमारे बच्चों के हाथों कृपया सर ये सम्मान स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे पूर्व सैनिक सेवा दल के प्रमुख श्री। क्या बात है, क्या बात है सर। ये देखें, ये सच्चे संत की पहचान है कि वो समाज में वही पैगाम देता है जिसको फॉलो बहुत जल्दी किया जाता है। तो आपने एक नई राह चीन बता दी है, आज लोगों को नई राह दिखाई है। हमारे पूर्व कर्नल फलीकर साहब को ये सम्मान देने के लिए मैं विनती करूंगा ये सम्मान का स्वीकार करें। और हमारे बैकबोन, और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि पहली बार आए हैं, 6 सीजन से लगातार सपोर्ट। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इन बच्चों को स्टेज पे लाना, मोटिवेट करना, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क। एज अ सोल्जर मैं इतना कह सकता हूं कि आज़ादी के 50 साल अभी जो 71 वॉर हम जीते हैं, मैं उस वक्त कैप्टन था और बहुत हमने कुर्बानी दी। कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं हर साल बॉर्डर पे जाता हूँ, अभी भी जाऊँगा दिसंबर में। आज तक के युद्ध में मोर देन 15,000 हमारे शहीद हुए हैं, और दूसरी बात ये कि मोर देन 49,000 किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का कान गया हुआ है। तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो फौज में देश के लिए कुर्बानी करके चले गए। आज मैं इनको देख करके मुझे उन मेरे दोस्तों की याद आ रही है कि उनके घर में कितनी डिफिकल्टी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको, धन्यवाद। जी सर, बहुत धन्यवाद। मैं इसके पश्चात सुजल चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री परेश भाई शाह से विनती करूँगा, कृपया ये सम्मान स्वीकार करें। પ્રણામ। આજે આ બુકે મને એવું થાય છે કે ખરા હકદાર આરિફજી અને બીનાજી છે, તમને ને મને અંગાડી ભેગા કરનાર આ વિદ્યાર્થીઓ પાસે લાવનાર એ જ છે, અને એમના માટેની ભાવના આપણને જગાડનાર બી એ જ છે। તો હું ઈચ્છું કે આજે મારો બુકે સ્વીકાર કરે। સુજલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પહેલેથી 6ઠા સેશન સુધી કાયમ માટે સપોર્ટ કર્યો છે, અને કાયમ માટે જ્યાં સુધી એ લોકો આ પ્રવૃત્તિ કરશે ત્યાં સુધી સપોર્ટ કરશે। થેન્ક યુ સો મચ રિસ્પેક્ટેડ પરેશ શાહ સર, આપકી ઇસ જનરોસિટી કે લિયે હમ આપકે બહોત આભારી હૈ। ઓર લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक के डॉक्टर अजीत गोहिल सर, प्लीज़। ये नाम इसलिए भी गौरव होता है कि इससे पहले भी लगातार उनका सपोर्ट रहा,
लेकिन कभी उन्होंने ऐसे स्टेज पर आकर सम्मान स्वीकार करना कभी भी उन्होंने नहीं चाहा। वो हमेशा से यही कहते थे, बस मैं जब आप काम करो मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बहुत रिक्वेस्ट करने पर ये दोनों की आज पहली बार 6th सीज़न में डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे दिल में जो है वो आपके प्रति सम्मान सर और बढ़ गया है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं चाहता हूँ अब जितने भी और भी सपोर्टर हैं, स्पॉन्सरर्स हैं, उनसे भी विनती करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी आप मंच पर आइएगा, क्योंकि आप भी उतने ही हकदार हैं। शिवाली एसोसिएट्स के श्री मिलन शाह एंड जागृति शाह से मेरी विनती है, कृपया आप मंच पर आएँ। और आप सबसे दरखास्त है ज़बरदस्त तालियों से हमारे इन स्पॉन्सर्स को हम थैंक यू कहेंगे। धन्वंतरी ENT हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र श्रॉफ साहब से मेरी विनती है, कृपया मंच पर आएं। ताली बजाते रहें आप लोग, क्योंकि ये वो सब डोनेटर हैं, ये वो सब दाता हैं जिनके सहयोग से इतना बिग बजट कार्यक्रम जो है वो संभव हो पाता है। फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन के डॉक्टर केतन शाह एंड डॉक्टर आशीष पटेल से मेरी विनती है, कृपया आप मंच पर आएं प्लीज। द आई क्लिनिक के डॉक्टर मोनिका जेठानी जो कि प्रेसिडेंट भी हैं लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा आस्था की, आपसे मेरी विनती है कृपया आप मंच पर आएं। बड़ौदा चिल्ड्रन आई केयर एंड स्क्वेंट क्लिनिक के डॉक्टर जितेंद्र जेठानी जी से मेरी विनती है कृपया आप भी मंच पर आएं। अतापी वंडरलैंड से जो रिप्रेजेंटेटिव यहां उपस्थित हों उनसे मेरी विनती है कृपया आप भी मंच पर आएं। अतापी वंडरलैंड, TNN न्यूज के दीपक आयरे जी, आपसे मेरी विनती है कृपया आप मंच पर आएं। अरहम अन्नपूर्णा भंडार के आदरणीय श्री कश्यप शाह से मेरी विनती है कृपया आप मंच पर आएं। खुशी एम्बियंट मीडिया सॉल्यूशन के श्री अजय राजपूत से मैं विनती करूंगा आप मंच पर आएं। MA चौकसी एंड एसोसिएट्स के जनाब आसिफ चौकसी से मेरी विनती है कृपया आप मंच पर आएं। स्वर्गीय दिलीप शाह साहब और उसके परिवार ने भी हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, उनके परिवार से अगर कोई हो तो उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। और ये पूरी समूची इवेंट जिन्होंने बहुत सुंदरता से मैनेज की है और हमारी टीम का एक अहम हिस्सा जिसको कह सकते हैं बैकबोन कह सकते हैं, वैसे हमारे कोरियोग्राफर संदीप परदेसी को मैं विनती करूंगा कृपया मंच पर आएं। और साथ ही मैं विनती करूंगा डॉक्टर प्रवीण पटेल सर एंड सुनीता मैम को, आप भी कृपया मंच पर आएं। हमारे ऑल टाइम वेल विशर्स हैं, ये भी काफी सपोर्ट रहा है। श्री अजीत सिंह वालिया सर से मेरी विनती है कृपया आप मंच पर आएं। कर्नल अमृतलाल मकवाना जी, दोस्तों मैं दिल से अब एक बार चाहता हूं बड़ी जबरदस्त तालियां हमारे इन सभी सपोर्टर्स के लिए, हमारे सारे स्पॉन्सरर्स के लिए, हमारे वेल विशर्स के लिए। ये लोगों का अगर सहयोग ना होता तो टीम KNK एड वन इतनी सुंदरता के साथ ये सीजन एक के बाद एक लगातार 6th सीजन तक शायद न पहुंच पाती। एक और नाम मैं यहां से मंच से लेना चाहूंगा, आदरणीय श्री AK मिश्रा जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब हमारे वो स्तंभ है, हाँ बिल्कुल, कि जिनके सपोर्ट के बगैर एक के बाद एक 6 सीज़न सक्सेसफुली आप तक पहुँचा पाए हैं अगर, तो उसकी वजह ये सारे मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। फिर एक बार आरिफ जी और बीना जी चाहते हैं कि इन सब का शुक्रिया हम तालियों में अदा करें। भावेश भाई, राकेश भाई प्लीज़ आइए सर। नहीं ये ज़रूरी है आरिफ भाई, आपकी जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन देखें ये भी ज़रूरी है, क्यों कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम जिन व्यक्तियों के योगदान से संभव हो पाया है उनका आभार अगर हम व्यक्त न करें
तो ये अच्छी बात भी तो नहीं है। आरिफ भाई ये चाहते हैं कि यार इतना अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था, इसमें इतना लंबा फंक्शन हो गया, आप सबको मैं सॉरी कहूँ। मैं कह दूंगा सॉरी आपकी ओर से, लेकिन मुझे लगता है किसी को बुरा नहीं लगा होगा। लगा किसी को बुरा? अरे आपके जैसा ही आपका ऑडियंस है आरिफ भाई, चिंता ना करें, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप और आपकी टीम। तो भाई जोरदार तालियों के साथ मैं सभी स्पॉन्सरर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। चौकसी एसोसिएट्स के श्री आसिफ चौकसी साहब कुछ हमसे बात करना चाहते हैं, प्लीज। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि आप ये सब शुभ कार्य में आपने ये सहकार दिया है। आज वो समय है कि जब एक तंदुरुस्त आदमी को भी अपनी प्रॉब्लम रजू करनी होती है, वाचा देनी होती है, तो उसको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है समाज के सामने, उसको काफ़ी दिक्कतें पैदा होती है। आरिफ भाई और उनकी टीम ने वो लोगों के प्रश्नों को वाचा दी है जिनके प्रश्नों को समाज के सामने रखना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और ये काम ये लगातार 6 वर्षों से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मैं उनको इसकी बधाई देता हूँ। इस कार्य में जितने भी लोग उनका सहकार दे रहे हैं, सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि वो हमेशा इनको साथ दे। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, एक व्यक्ति का नाम ऐसे जब इतना खूबसूरत माहौल चल रहा है तो एक व्यक्ति का नाम भी बहुत लाजमी है लेना। कंधे से कंधा मिला करके सीज़न फर्स्ट से लेकर अब तक हमारे स्टार एड संत के मेहुल भाई, एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। ये भी हमारी टीम का, मेरी आवाज़ सुनो की टीम का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। बहुत जनरली इन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी पहली मीटिंग इनकी ऑफिस पर ही हुई थी, तो ये मेरे लिए इसलिए भी लकी हैं कि मैं तब से आज तक कंटिन्यू हूँ, है ना। तो मेहुल भाई थैंक यू सो मच। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मैं सभी मेहमानों से, हाँ मैं सभी मेहमानों से बड़ी मोहब्बत के साथ विनती करूँगा अपने स्थान पर पुनः आप सब लौटें। सभी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार, अतिथि विशेषों का आभार, तमाम स्पॉन्सरर्स का आभार, हमारी टीम के सदस्यों का आभार, और विशेष आभार आप सभी खूबसूरत और प्यारे लोगों का जिन्होंने हमें ये ज़रूरी रस्म थी, थोड़ी लेंथी थी, लेकिन आपने बड़ी संयम के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ हमें इसको निभाने दिया। तो थैंक यू सो मच। एक बार आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, इतने अद्भुत लोग, इतने प्यारे लोग, इतना अच्छा ऑडियंस, और बस यही जज्बा बनाए रखिएगा टीम मेरी आवाज़ सुनो के साथ। साल दर साल ये सीज़न हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, और हमारे बच्चों के लिए साल दर साल ये कार्यक्रम होते रहें। लेकिन मेरी ये भावना ज़रूर है कि हर साल ये तादाद बच्चों की बढ़ने की जगह कम हो, ये मेरी भावना है। हमारा संगीत का ये प्यारा सा कार्यक्रम फिर शुरू किया जा रहा है, और अगला एक बहुत अद्भुत गीत है। मैं फिर एक बार आनंद विनोद साहब को और वैभवी जी से विनती करूँगा आप मंच पर आएँ, दोनों मिलकर एक बड़ा मस्ती भरा। और अभी बड़ौदा में मैंने देखा बाहर निकले दोपहर का शो ख़त्म करके, तो काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है ना। और बारिश जब होती है तो फिर क्या है, मोहब्बत करने वाले दिलों को तो नाचने झूमने गाने और मोहब्बत करने का मौका मिल जाता है। ऐसा ही कुछ अगले गीत में है जो वैभवी शाह त्रिवेदी जी आनंद विनोद जी के साथ पेश करने वाली है। अरे 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 ना 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 उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो
आज रपट जाए तो हमें ना दुखियो साथ में भी कहा बात ऐसी पहली बार बरसी बरसात ऐसी बरसात में भी कहा बात ऐसी पहली बार बरसी बरसात ऐसी जाए तो होश न दिलाइयो आज बहक जाए तो होश न दिलाइयो होश जो दिलाइयो तो होश जो दिलाइयो तो खुद भी बहक जाइयो आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना दुखियो अमिताभ बच्चन साहब और स्मिता पाटिल जी, बप्पी लहरी साहब और अनजान साहब और किशोर कुमार के साथ आशा भोसले जी, क्या कमाल का गीत था ये। किशोर दा बहुत अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी कहते हैं फिल्मी कैरियर के दरमियान उनके गीतों फिल्मों उनके कारनामों से ज़्यादा फिल्मी कारनामों से ज़्यादा उनकी पर्सनल निजी ज़िंदगी के कारनामे बहुत चर्चा में है। लाइव स्टेज शो में भी किशोर दा की कोई कहते हैं मिसाल मतलब पेश नहीं कर सकते हम। वेस्ट इंडीज़ में एक बार कार्यक्रम हो रहा था, ये लिटिल चैम्प के मंच पर सुदेश भोसले जी का खुद का कहा हुआ अनुभव किया हुआ साझा किया हुआ ये किस्सा है। मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, क्योंकि जो गाना आप गाने वाले ना वो गाने को लेकर किशोर दा कैसी शख्सियत का नाम। वेस्ट इंडीज़ में प्रोग्राम और वेस्ट इंडीज़ के लोग बड़े पागल बड़े दीवाने हैं, वहाँ प्रोग्राम कैंसिल भी नहीं कर सकते। दादा का गला बिल्कुल बंद, अब क्या किया जाए। सुदेश भोसले साहब एंकर थे, मिमिक्री आर्टिस्ट का एंकर बनकर गए थे वो टूर में, और किशोर कुमार का नाम बड़ा ज़बरदस्त, अब उनका रिलीवर भी कोई नहीं, अब क्या करें क्या करें।
तो कहा कि तुम एक काम करो, सिर्फ तुम मुझे प्रेजेंट कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। तो दादा ने, सुदेश भोसले जी ने किशोर दा को सिर्फ प्रेजेंट किया और किशोर दा ने आकर बैठे हुए गले से लड़की की आवाज़ निकाल कर या जैसी तैसी आवाज़ निकाल कर लोगों को ये कहा कि नमस्कार। लोगों को ये था कि बहुत सहज है, ये तो करते ही हैं, एहसास तक नहीं होने दिया। और पूरा गाना जो आप गाने वाले हैं ना, वो गाना उन्होंने लड़की और मतलब खराश वाले गले से। और ये अकेला गाना नहीं, इसके बाद सुदेश जी ने ये कहा कि 5 गाने कांस्टेंट ऐसे ही गाए और लोगों को इतना मज़ा आया, बोले क्या बात है, किशोर कुमार तो भाई बहुत क्रिएटिव है। तो काम का काम और अंगड़ाई की क्या बात है, अंगड़ाई, ये है किशोर कुमार। आइए सुनते हैं अद्भुत गाना। क्या बात है, सपनों की रानी को बुलाया। यहाँ तो बहुत सारे राजा चले आए, 5-5 मजा मच हो क्या, फरोस हो, वाह।
यही गीत था जिस गीत ने किशोर कुमार साहब और राजेश खन्ना जी की जोड़ी को भारतीय सिने संगीत में यादगार और अमर कर दिया। यहीं से उनकी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान भर में ये दोनों ऐसे छाए, बस फिर उन दोनों ने कभी पलट कर वापस नहीं देखा। और एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना साहब ने ये कहा कि जब पहली बार शक्ति सामंता ने ये कहा मुझे कि तुमको जाना होगा किशोर कुमार जी से मिलने, क्योंकि तुम मेरे साथ पहली फिल्म कर रहे हो और तुम्हारे लिए गाने किशोर दा गा रहे हैं, तो वो तुम्हारे मैनरिज्म को समझना चाहते हैं। राजेश खन्ना जी जब गए तो आधा घंटा कम से कम राजेश खन्ना साहब को बैठा रखा और पानी तक बोले मुझे पिलाया नहीं उन्होंने, सिर्फ मुझे देखते रहे और दो चार उठपटांग सवाल किए। जब आधा पौना घंटा हो गया फिर उनको संतुष्टि हुई, फिर कहीं जाकर उनको पानी और चाय ऑफर किया, फिर राजेश खन्ना साहब को किशोरदा बोले कि देख भैया बुरा मत लगाना, मैं इसलिए देरी से तुम्हें चाय पानी करवा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको समझना चाहता था, तुम कैसे बोलते हो, कैसे बैठते हो, चेहरे के भाव कैसे उत्पन्न करते हो। तो वही कमाल कहते हैं कि जब फिर गाना मेरे पे पिक्चराइज होने वाला गाना मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किशोरदा नहीं मैं खुद गा रहा हूँ। तो ऐसे अद्भुत कलाकार के लिए चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप पहला प्रोग्राम ने तैयारी करीन लायो तो बोलवा ना मड़ियो એટલે અત્યારે બોલવું પડે છે। आइए, दो संस्थाओं को हमेशा हम सपोर्ट करते आए हैं। एक तो कलरव के बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, अब जो बच्चे आ रहे हैं वो सरोजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पाठशाला.com एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, उसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों के उत्कर्ष के लिए ये संस्था काम करती हैं। और हमारी सिस्टर कंसर्न ये ट्रस्ट है क्योंकि पिछले लगातार 5 सीजन से ये ट्रस्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आज 6th सीजन में भी ये बच्चे हमारे साथ हैं। तो अगला एक परफॉर्मेंस है, ये डांस परफॉर्मेंस है और मैं चाहता हूँ पाठशाला.com के हमारे इन बच्चों के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, हौसला बढ़ाएं। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है सारे के सारे ये बच्चे।
बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए स्रोतस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि पाठशाला.com की हमारी अंडर प्रिविलेज बच्चियां हैं। जुबीन दत्ता इनकी मेंटर हैं, वो अभी आज अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं मैं चाहता हूं कि अपने स्थान पर वो खड़े हों ताकि मैं आपको भी बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट दिलाना चाहता हूं। पाठशाला.com से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जनरली जुबीन जी रहती हैं वो, लेकिन आज नहीं आ पाई हैं, नहीं है कोई भी, एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इन व्यक्तियों के लिए, पाठशाला.com की टीम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल संगीत में ही बड़ौदा को गौरव हासिल है, लोक कला और लोक नृत्य में भी बड़ौदा को गौरव हासिल हो, ऐसे बहुत सारे नाम इस सरजमी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आज के हमारे इस इवेंट के मैनेज करने वाले संदीप परदेशी जी को भी बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पर एक्नॉलेजमेंट मिला है और उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अगला एक ऐसा ही कलाकार संदीप जी के ही कहते हैं कलीग हैं वो, और उनके मित्र होने के नाते ये अक्सर हमारी इस इवेंट में शामिल रहते हैं। तो आज फिर एक बार सीजन 6 में वो कलाकार आपसे रूबरू हैं। फोक डांस एक अलग ही उनका स्टाइल है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फोक डांस कैटेगरी में इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बड़ौदा का ये अद्भुत गौरव चिराग महिड़ा के लिए मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियाँ, अद्भुत तालियाँ। बहुत कमाल का बैलेंस एक्ट करने वाले हैं वो, एक ग्लास पीतल के ग्लास पर इतने सारे अलग अलग साइज के जो घड़े हैं पानी के, उसको बैलेंस करेंगे। आइए, जोरदार तालियां इस अद्भुत कलाकार के लिए होनी चाहिए। नाम न जानो, नाम न जानो, नाम न जानो, नाम न जानो, सूरत न जानो तारा साजन रे, हाँ।
क्या बात है भाई, वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या बात है, वाह वाह, अद्भुत। हो ये केवल ग्लास का इतना वजन है कि मैं हाथ में उठाने को थोड़ा सोच रहा हूँ। कितने कितने हैं ये? 11, टोटल 20 केजी वेट सर पे। आज ग्लास रख लिया घड़ा, बाद में आपके पास आके ट्रेनिंग लूंगा भाई। नहीं, अद्भुत, जोरदार तालियां इस अद्भुत कलाकार के लिए। थैंक यू चिराग, आपकी इस सपोर्ट के लिए हम बहुत आभारी हैं। आइए, सनी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अजीत गोहिल साहब, डॉक्टर साहब, हमारे ऑल टाइम स्पॉन्सर एंड सपोर्टर, आज पहली बार सीजन 6 में वो आए हैं, और आए हैं तो एक गाना सुनने की उन्होंने ख्वाहिश जताई है। ऐसे ही रिश्तों पर जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं समाज में, उन्हीं की समस्याओं को उजागर करती हुई एक फिल्म आई थी राजश्री प्रोडक्शन की। फिल्म का नाम क्या बात है? दोस्ती। जी हाँ सर, बिल्कुल, दो दोस्तों की एक बहुत नायाब कहानी, दोनों ही अननोन चेहरों को लेकर राजश्री प्रोडक्शन ने बहुत बड़ा, कहते हैं, जुआ खेला था उसमें। लेकिन धन्यवाद देना होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की अमर जोड़ी को, ऐसे गीत बनाए उन्होंने, रफ़ी साहब ने ऐसे गीत गाए कि वो गीत की बुनियाद पर, संगीत की बुनियाद पर वो फिल्म आज 50 साल के बाद भी हमारे और आपके दिलों में जिंदा है। आइए, एक एक गाना, वैसे तो उसका जैम ऑफ द सॉन्ग था, लेकिन अगला एक खास गाना डॉक्टर साहब को डेडिकेट करते हैं। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग गाना था और फिल्म भी थी। आप बने रहे, हमारे वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। अगले गीत में वैभवी शाह त्रिवेदी जी से मैं विनती करूंगा। रवि साहब और आशा जी का गाया हुआ एक मस्ती भरा दो गाना है जो आपकी नज़र करेंगे। बहुत कमाल का ऑर्केस्ट्रेशन आरडी बर्मन साहब के द्वारा इस गीत को बहुत खूबसूरती से कंपोज किया गया है। गाना इन दो कलाकारों से सुनते हैं। साथ में तालियां हो जाए और भी मजा आएगा। विद बी आजकल फिर में प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल फिर में प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। अच्छा तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा, ओ, ओ आजा 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 आजा, अरे आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा, ओ, ओ आजा 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 पैकेज था, ये दो गानों का पैकेज। आजकल अब आहिस्ता आहिस्ता पैकेज की भी सीज़न शुरू होगी, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो अब हॉलीडे पैकेज, दिवाली पैकेज, उससे पहले हमने एक म्यूज़िकल पैकेज दे दिया, दो गाने एक साथ बैक टू बैक सुनाए आपको। आइए इसके बाद एक और कलाकार को पेश कर रहा हूँ, ये भी हमारे KNK एड वन को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर कार्यक्रम में हमेशा सहयोग रहता है, और बहुत यंग एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। मैक्स राठौड़ के लिए मैं चाहता हूँ आपकी ज़ोरदार तालियाँ। बहुत कमाल का गाते हैं ये भी, नए नस्ल के गायकों को बहुत अच्छे से गाने की कोशिश करते हैं, अच्छी खासी कमर है इनकी, है ना? इनकी कमर कभी रस्क कराने की कोशिश करते हैं, करती नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको दूसरों की कमर से होने वाले रस्क पर बहुत मज़ा आता है, और जब वो किसी की कमर को रस्क करते हुए देखते हैं तो फिर खुशी के मारे गाना गाते हैं, है ना? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी की रात
जैसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। मैं चाहता हूं कि सभी म्यूजिशियन के लिए आप सबकी जोरदार से ताली हो जाए प्लीज, बहुत ही प्यारे म्यूजिशियन हैं और खास करके मयूर भाई के लिए जोरदार से ताली हो जाए। अपने कर्म की कर दाए Oh man.
क्या बात है, बहुत जबरदस्त गाया, बहुत जबरदस्त गाया। आपको पता है ये गाना ओरिजिनल कहाँ से आया, कहाँ से आया? पाकिस्तान से। अरे नहीं, गुजराती नहीं, बनावट छे ओरिजिनल। ये पाकिस्तान वाला हो तो शब्दों बदली ना, क्या चोरी करी छे। ओरिजिनल गुजराती वेपारी है, फरसाणना वेपारी है, बनायेलू गीत छे। खबर छे तमने? नहीं मालूम, बताऊं मैं? अरे भैया मयूर, अरे देखो मैं गुजराती वेपारी, फरसाणना वेपारी नु आ गीत पाकिस्तान गयो ने पछी बदलाई ने आयो। सुर दो भाई। मेरे दस के खम। बोलो, आ पेपर फूटी गयो सालू। पछी आगळ 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 तो मारे खाली छे ना, हवे तारे ज पूरु करू। के मेरे दस के खमण, तेरे बीस के खमण, उसमें चटनी मिलाई, मजा आ गया। और क्या गाना गाया मैक्स, मजा आ गया। एक बार जोरदार तालियां मैक्स के लिए होनी चाहिए। आइए संदीप परदेसी को फिर एक बार आमंत्रित कर रहा हूं, आपकी ढेरों तालियों के साथ एक अद्भुत एक्ट लेकर हमारी आज की इस अद्भुत शाम के ये पूरी इवेंट को मैनेज करने वाले संदीप परदेसी अपनी टीम के साथ फिर एक बार आपसे रूबरू हैं। सर, बॉर्डर पे हमला हो चुका है, आपकी जरूरत है, आपको चलना पड़ेगा। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। निकल के खून कहे
क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल वाह जी वाह, क्या बात है कि आओ मिलकर सलाम करते हैं जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। आओ मिलकर सलाम करते हैं जिनके हिस्से में ये मकाम आता है, और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका लहू मातृभूमि के काम आता है। ये तमाम पूर्व सैनिकों को और हमारे सिपे सालारों को हमारे देश की सुरक्षा करते हुए तमाम बहादुर जवानों को डेडिकेट किया था ये अद्भुत। और थैंक यू सर, क्या बात है, आपने जो जज्बा जगाया उसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया आपका। आनंद विनोद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपकी सबों की जोरदार तालियों के बीच। आने वाला पल
थैंक यू वेरी मच। गुलजार जी की कलम से निकला था ये प्यारा सा गीत, आर डी बर्मन साहब का संगीत, फिल्म गोल माल से किशोर दा ने गाया था इसे। आइए, बिल्कुल ये पल जो है वो बिल्कुल चले जाने वाला है। बीरबल और अकबर की एक बहुत पुरानी दास्तां मुझे याद आ रही है। अकबर बादशाह ने हुक्म किया कि बीरबल ऐसी कोई बात, ऐसा एक शब्द बताओ या एक ऐसी बात बताओ कि जिससे सुनने के बाद हमें खुशी भी हो और गम भी हो। बीरबल बड़े चालाक और चतुर थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ पना मुझे वो शब्द मिल गया। कहा कौन सा, क्या है? तो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना, ये वक्त भी अगर कठिन है तो गुजर तो खुशी होगी, और अगर अच्छा वक्त है तो दुख भी होगा। ये सोचकर बड़े महान लोग थे वो, आइए। लेकिन कई बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं कि रातों की रातें बीत जाती है, सालों के साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो नहीं आता जिसके इंतज़ार में आँखें टिकटिका कर वो बैठे होते हैं। इंतज़ार के ऐसे ही एक जज्बात को अगले गीत में परोया गया। बहुत कमाल का गीत है। वैभवी जी अगर आप आएंगी तो ये गाने को मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरती से आनंद जी पेश कर पाएंगे। इंतज़ार का एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा अगले गीत में। दो कलाकारों की आवाज़ें, किशोर दा के साथ आशा जी, बप्पी लहरी साहब का संगीत, अनजान जी के लिखे हुए इस प्यारे से गीत को आइए इस दो कलाकार के द्वारा सुनते हैं। जिंदगी में वो नहीं तो
बुझ न जाइए शमा ऐतबार की इंतजार हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें क्या बात है मीना जी आप बहुत अच्छा गाती है मीना जी। कभी कभी मेरे अंदर भी अमिताभ बच्चन साहब की याद में प्रवेश कर जाए। ना नींद आती है ना मौत आती है कमबख्त हमारी वैभव भी बहुत अच्छा गाती है। एक बार तालियां होनी चाहिए। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तमाम ये खूबसूरत लोग बैठे हैं अपनी कहते हैं बिल्कुल फ़ख्र के साथ अपने सीनों पर तमगे लगाए हुए हैं ये लोग। इनके चेहरों का खुमार जो है वो हम सब भारतीयों को इतराने पर
बलखाने पर आमदा करता है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब भी मुसीबत हमारी सरहदों पर सीना तान कर दुश्मनों का सामना किया है। बोले हम बैठे हैं, डट कर बैठे हैं, आप इत्मीनान से सो जाओ, है ना। तो वो पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी हम बहुत आभारी हैं। दिनेश पटेल साहब जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। किताब का इंग्लिश टाइटल है, शाहरुख खान साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर होते तो कुछ ऐसे कहते, ऐसे महा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फेल टू विन, यानी अगर जिंदगी में आप फेल होते हैं तो यकीन मानिए आप ही विजेता हैं, क्योंकि फेलियर जो है वो कभी आपको आपकी जर्नी में रुकावट नहीं बन सकता, अगर आप उसको पॉजिटिवली ले तो। इसीलिए हमारे विजनरी ग्रेट राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि इम्पॉसिबल में से आई एम पॉसिबल, उसकी डेफिनेशन को बदल दीजिए तो ज़िंदगी में कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, है ना। तो हमारे सर ने भी एक किताब लिखी है, हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। ऐसी ही प्रेरणा उस किताब से भी आपको मिलने वाली है, बहुत सारे मोटिवेशनल बातें होंगी उसमें। और ज़्यादा मालूमात आप हमारे दिनेश पटेल साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पूर्व सैनिक सेवा समिति के, उनसे आप हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अब आइए अगला एक बहुत ही कमाल का एक्ट देखें। उससे पहले हमारी टीम के बाकी हिस्सेदार सभी म्यूजिशियन से तो मैंने परिचय करवाया, लेकिन सुंदर सा बैकड्रॉप हमेशा की तरह आज फिर एक बार हमारे राजू मूर्तिवाला और उनके सुपुत्र शशांक मूर्तिवाला की टीम द्वारा ये बहुत ही कमाल एटमोस्फियर क्रिएट किया गया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सैम साउंड के सौमिल के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने हमेशा की तरह हमें सपोर्ट किया है और हमारी ये सुंदर सी इवेंट को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन, स्टिल फोटोग्राफर, इन सब के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अगला गीत जो है वो हमारे सभी जवानों को डेडिकेट करते हैं, बहुत मज़ेदार गाना है ये, आप सबको डेडिकेट करते हैं और आप सबके साथ साथ जितने भी लोग बैठे हैं उनको भी डेडिकेट करते हैं, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री साहब, जिनका के कल जयंती पूरे हिंदुस्तान ने मनाया, उन्होंने बस हिंदुस्तान को हमेशा बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की और बहुत सामान्यत वो जीवन जिए, आप सब ने देखा है। तो उन्होंने जय जवान जय किसान ये नारा इसीलिए दिया कि हिंदुस्तान का हर इंसान, हिंदुस्तान में हर इंसान जो सेना पर तैनात है वो जवान है और बाकी 70% जो लोग हैं हिंदुस्तान में वो किसान है कि नहीं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो जवान और किसान को जोड़ दिया तो हिंदुस्तान में अब कुछ बाकी रहता नहीं है, सब आ जाते हैं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो अपने आप को जवान समझते हैं वो जवान समझें, जो अपने आप को किसान समझते हैं वो किसान समझें, बस इंजॉय कीजिए। बहुत कमाल का गीत है, क्या है गाओ आप, मैं क्यों बताऊं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था भुज, तो उसमें से एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, उसकी दो लाइनें और उसके बाद जो हमारा मेन गाना है वो आपके लिए। ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग मेरा मैं तेरा परिंदा, है शर्त ये दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, जो याद करे वो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके, कोई धन है रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा।
सदा। बिल्कुल, जेपी दत्ता साहब को भी हम जितना सैल्यूट करें कम है। ये एक ऐसे जांबाज और इतने ज़बरदस्त फिल्म निर्माता रहे जिन्होंने हमारे भारतीय सिपाहियों की, भारतीय फौजियों की शान को
और ज़्यादा बुलंद कर दिया अपनी फिल्मों के ज़रिए। उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिसको देखकर हम भारतीयों को हमारी फ़ौज क्या करती है वो समझने में बड़ी सरलता हुई। तो जेपी दत्ता जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत कमाल के फिल्म मेकर, बहुत कमाल के फिल्म मेकर। कार्यक्रम अगली पादान पर है। जैसा मैंने कहा, बहुत स्पेशल एक्ट है। संदीप परदेसी को ये शर्फ हासिल है कि इनको कई टेलीविज़न रियलिटी शो में एकदम यूनिक कंसेप्ट लेकर पेश करने के लिए बहुत सराहा गया है, और कई बार इन्होंने अलग अलग कंसेप्ट पेश करके लोगों को चौंका दिया है। आज भी यहाँ कुछ एक यूनिक एक्ट वो करने वाले हैं, इसलिए बीच में उनको थोड़ा समय चाहिए था और हमने समय का सदुपयोग किया और इतना प्यारा गीत आप तक पहुँचाया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये एक्ट आपको पसंद आए तो हमारे इस कलाकार को बहुत दुआएं दीजिएगा, ज़ोरदार तालियों से उसका हौसला और ज़्यादा बढ़ाइएगा, ताकि अगली बार जब वो आए तो दुगने जोश के साथ और कुछ नया करने की चाह लेकर आए। आइए, संदीप परदेसी आपके लिए। क्या बात है, बहुत यूनिक कंसेप्ट। एक बार ज़ोरदार तालियां। मुझे मुनव्वर राणा साहब याद आ रहे हैं, क्या कहें। बेटियों की अहमियत, कीर्तिदान गढ़वी के लिए एक बार मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आप में से बहुत से शायद नहीं जानते होंगे, ये बड़ौदा से ही अपना म्यूज़िक का स्टडी करके ये दो देश और दुनिया में अपना नाम और शोहरत का डंका कीर्तिदान जी ने बजाया। हमारे MS म्यूज़िक कॉलेज के छात्र रहे हैं कीर्तिदान भाई, एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे मुनव्वर राणा याद आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ख़त्म ये दुनिया का मेला हो गया, ऐसा लगता है जैसे ख़त्म ये दुनिया का मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया और घर अकेला हो गया। बेटियां तो बेटियां होती है, क्या बात है। संदीप के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत कमाल का एक्ट था ये।
कोविड ने अच्छे अच्छों की खाना खराबी कर दी है, वाट लगाड़े दीदी बॉस आखी दुनिया नी। अने सौथी वधारे कोई हैरान थयो होय ने तो आपणे गुजरातीओ, कारण के एने छेल्ला बे बे वर्षथी आपणने गरबा नथी करवा दीधा बापू। बीजू बधुं तो गयुं भाणमां, पण गरबा अने गुजराती ना करे नवरात्रिमां बहु दुखनी वात छे। पण आपणे चलो सरकारी गाइडलाइनने खूब सन्मान आपीए, कारण के आपणे सारा नागरिको छीए। આપણે જાહેરમાં નહીં મનાવીએ ક્યારે નવરાત્રિ, કારણ કે સરકારે ના પાડી છે, પણ આપણે પ્રી નવરાત્રિ હવે મનાવવાની મારી ઈચ્છા છે। મહારાજ સાહેબ આપ શું કહો છો? પણ એક શરત છે, ગાવાની શરૂઆત મહોદયશ્રી કરે તો જ સ્ટેજ પર આવીને। આદરણીય પંકજકુમાર ગોસ્વામી સાહેબ જો આ સેશનની શરૂઆત કરે તો આપણે ગરબા કરીએ બધા। શું તમારી ઈચ્છા છે કે નહીં? બધાએ મસ્ત મજાના ગરબા ફરવાના છે, હો ફરશો ને? હા, તો મહોદયશ્રીને મારી વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવશો, બધા કલાકારો પણ આવશે, અને આ સરસ મજાની ગરબા સેશન પછી એક બહુ સ્પેશિયલ એવોર્ડ સેરેમની પણ છે, જેમાં આપણે આપણા પૂર્વ સૈનિકો જે અહીંયા બેઠા છે એમને એમનામાંથી આપણા જે સૈનિકોને સન્માન આપવાનું છે સન્માનપત્ર એ આપીશું। આપ સૌ પોતાની જગ્યા ઉપર સ્થાન પર જળવાઈ રહેશો ગરબા રમ્યા પછી। જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ, કારણ કે આદરણીય મહારાજશ્રીના અંદર પણ એક સરસ મજાનો કલાકાર છે, અમને ખબર છે। ઘણા બધા કાર્યક્રમોમાં મેં મહોદયશ્રીને સાથ આપ્યો છે, એમને ગઝલોના જ્યારે સ્પેશિયલ કોન્સેપ્ટ કરતા હતા ત્યારે એમણે એક બે પ્રોગ્રામમાં મને ખાસ એન્કરિંગ માટે યાદ કર્યો હતો, એ મારા માટે અહોભાગ્યની વાત છે કે આટલી અદ્ભુત પ્રતિભા જો એમના કાર્યક્રમની એક સાંજને મારા શબ્દોથી શણગારવાનું જો કામ કરતા હોય તો મારા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે। ને એવા બે ત્રણ કાર્યક્રમો મેં મહોદયશ્રીના હોસ્ટ કર્યા, અહીંયા કર્યા, ગાંધીનગર ગૃહમાં કર્યા। મારા બધા કલાકાર મિત્રોને મારી વિનંતી છે, આપણે ગુજરાતી એટલું બધું જો કે ફાવતું નથી, આમ તો ઇંગ્લિશ પણ નથી ફાવતું, ના ના બોલવાની વાત કરું છું, ખોટું ના, આમ તો એ ઇંગ્લિશ તો કોઈ પણ ફોર્મમાં નથી ફાવતું, ગુજરાતી ખાલી બોલવામાં જ તકલીફ પડે, બાકી ખાવામાં ને ઝાપટવામાં તો બાપુ એ ગાભા કાઢી નાખું, હાંડવો ઢોકળા ફાફડા આવું જ્યારે બોલું ને મને થ્રી ઇડિયટ યાદ આવી જાય। એમાં કરીના કપૂર કહે છે ઓલા રેન્છોને, યાર ડ્રંક હોય છે, તુમ ગુજરાતી લોક ક્યાં ખાના ખાતે હો, હાંડવા ઢોકળા ફાફડા ખીચું, જૈસે ખાના નહીં હુઆ કિસી મિસાઇલ કા નામ હુઆ, એટલી ભોળી છે બેન, તને શું કહીએ, આ પ્લેટમાં છે ને ત્યાં સુધી જ આ ખાવાની વસ્તુ છે, પેટમાં ગયા પછી એ મિસાઇલનું જ રૂપ લઈ લે છે, અને મિસાઇલ જ્યારે ફાટે છે ત્યારે બાપા એક એ 56 ને આપણી ઓલી મરીન ટેન્કો એ ફેલ છે એની આગળ તો, સાહેબ સાચી વાત છે કે નહીં? હા, વગર હથિયારે દુશ્મનને ભગાડવાનું કામ કરે છે ઢોકળા ફાફડાની મિસાઇલો। એનીવેઝ મેં ચાહતા, અરે ભાઈ સબ આર્ટિસ્ટ કો રિક્વેસ્ટ સ્ટેજ પર આઈએ પ્લીઝ, હમ સબ મહોદયશ્રી કો સાથ દેંગે, સનીજી આનંદજી કે મેક્સ વૈભવીજી સભી સે મેરી વિનંતી હૈ, ઓર આપ લોગ સબ અબ બેઠના નહીં હૈ, આપ અપને સ્થાન સે ખડે હોંગે ઓર સર્કલ મેં ગરબા કરેંગે પ્લીઝ। ચલીએ મેં મહોદયશ્રી કો માઇક્રોફોન હેન્ડ ઓવર કર રહા હું। इससे पहले कि मैं ये रास शुरू करूं, मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच जो सेतुबंध बने हुए हैं इस कार्यक्रम को पकड़ के और जकड़ के जिन्होंने रखा हुआ है, श्रीमान मोहसिन शेख साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे बहुत सारे गजल के शोज में आपने एंकरिंग करी है और एंकरिंग करते हैं आप, साथ में जो इतने विनोदी हैं कि अपने ही आनंद में रमे रहते हैं ऐसे विनोद आनंद जी, जिनका मैंने बहुत सालों से ऑब्जर्वेशन किया है कि एक लाइव एंटरटेनर हैं स्टेज पे, और जो खुद अपने आप से बातें करते हैं ऐसा लगता है स्पेस पे से आए हैं और गा के वापस स्पेस में चले गए, और बोलते रहते हैं वाह भाई वाह, को सिंगर को एंटरटेन करते रहते हैं, क्या बात है क्या बात है बोलते रहते हैं, अद्भुत कलाकार हमारे बड़ौदा के आनंद विनोद जी, साथ में सह कलाकार ये तो हैं ही सुपरस्टार, और राठौड़ साहब और मैक्स
ये भी अद्भुत कलाकार हैं। आज मेरा सीना एक कलाकार के बतौर गर्व से चौड़ा हो गया है आप सबको सुन के। थैंक यू सो मच, कीप गोइंग अहेड। हमारे वडोदरा का नाम पूरे विश्व में आप सब उसकी धजा फरकाते रहिए। सौमिल हे हे चाल गोवाड़िया हिरम रे मरगड़ मेली ने हिरमो रमो गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने रमो रमो गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने रमो रमो गोवाड़िया रमो मरगड़ो चाले गोवाड़िया रमो हरे रमो रे मरगड़ो मेरी ने रमो गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेरी ने रमो रमो रे गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेरी ने राठोड़ी मोजड़ी तारा पगे राठोड़ी मोजड़ी तारा पगे राठोड़ी मोजड़ी तारा पगे राठोड़ी मोजड़ी तारा पगे राठोड़ी तारा पगे राठोड़ी मोजड़ी तो चाले चटकती चाले गोवाड़िया रमो रे हरे रमो रे हरे रमो रे मरगड़ो मेली ने मरगड़ो मेली ने रमो रमो रे गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने रमो रमो रे गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने I request all of you to please come forward for garba. Please come, everybody. Come on. Those who want to play garba, ऐसे नहीं चलेगा. हरे कंठे कावन हर रे हरे कंठे कावन हर रे हरे कंठे कावन हर रे तारे काने ते कुंडली शोभता तारे काने ते कुंडल शोभता तारे काने ते कुंडल शोभता तारे काने ते कुंडल शोभता हरे गोवाड़िया हरे रमो रे हरे रमो रे मरगड़ो मेली ने रमो रमो रे मरगड़ो मेली ने रमो रे गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने रमो रमो रे गोवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने फिर जाशु तो सासु जी की जाशे फिर जासू तो सासू जी की जासे फिर जासू तो सासू जी की जासे घर जासू तो सासू जी की जासे घर जासू तो सासू जी की जासे घर जासू तो सासू जी की
घर जासू तो सासू जी की जासे, घर जासू तो सासू जी की जासे, घर जासू तो सासू जी की जासे, मारी नंदी ओ हो नंदी, ए है नंदी रे हे अड़ो को अरे रामो रे रामो रे अरे रामो रे मरगड़ो गुवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने, रमो रे गुवाड़िया रमो मरगड़ो मेली ने, रमो रमो रे गुवाड़िया रमो रे मरगड़ो मेली ने, राजा रामनी तलावड़ी ये कोणी भरवा गया, राजा रामनी तलावड़ी ये पानी भरवा गया, राजा रामनी तलावड़ी ये कोणी भरवा गया, राजा रामनी तलावड़ी ये पानी भरवा गया था, जी हमें क्या करे ओरे तलावड़ी, धीरे धीरे क्या ताले ओरे तलावड़ी, हड़वे हड़वे क्या ताले ओरे तलावड़ी, राजा रामनी तलावड़ी ये कोणी भरवा गया था, राजा रामनी तलावड़ी ये पानी भरवा गया था, हे रामा श्री, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मैं फिर एक बार मैं थोड़ी देर के लिए चाहूँगा आप जितने लोग खड़े हैं थोड़ी देर के लिए बैठें प्लीज़, थोड़ी देर के लिए। हमारे सरहद के ये जाबाज सिपाहियों को भी यहाँ सम्मान देना है, मैं उसके लिए बुलाऊँगा बड़े रिस्पेक्ट के साथ। श्री अमृतलाल मकवाणा सर प्लीज़, हमारे PSSP वडोदरा के अमृतलाल मकवाणा सर से मैं, क्या बात है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के आप प्रेसिडेंट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाणा जी, और इनके हाथों हमारे कुछ वेटरन को यहाँ फेलिसिटेट करना है। सबसे पहले
वेटरन नवीन पटेल साहब से मैं विनती करूंगा आप ये सम्मान स्वीकार करें। आप आर्मी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इस वेटरन के लिए। ये सर्टिफिकेट और ये बुके वाह अनिल भाई। वेटरन संगीत झा से मेरी विनती है आप कृपया मंच पर आए। एयरफोर्स से आप बिलोंग करते हैं, सर्विस में आप एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते थे और उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बधाई मुबारक अभिनंदन। वेटरन ओपी झा सर से मैं विनती करूंगा, आपने भी एयरफोर्स को अपनी सेवा से सम्मानित किया है। श्री ओपी झा सर नहीं है शायद, हाँ प्लीज सर आप दोबारा आ जाइए। ओपी झा सर की ऑन बिहाफ संगीत झा सर से मैं विनती करूंगा ये सम्मान आप स्वीकार करें। वेटरन दिलीप सिंह चौहान साहब, आर्मी को रिप्रेजेंट किया आपने, अपनी सर्विस जो है जिंदगी में आर्मी को समर्पित की थी, आज उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। क्या बात है। वेटरन जयसुख पड़सोरिया जी से मेरी विनती है आप कृपया मंच पर आए और अपना ये प्रशस्ति पत्र और बुके स्वीकार करें। आपने भी अपनी जिंदगी आर्मी के नाम की है और अभी वेटरन जीवन बिता रहे हैं, आपको ये सम्मान देते हुए PSSP गुजरात के प्रेसिडेंट अमृतलाल मकवाड़ा साहब के हाथों ये सम्मान दिया जा रहा है। सभी का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ आमंत्रित सारे गेस्ट और बरोड़ावासी, आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूरे भारतवर्ष में 125,000 ये लोग ऐसे लोग हैं जो वतन के लिए नहीं काम, वेतन के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो अपने वतन के लिए काम कर रहे हैं। कोई पैसे की चाह नहीं है, कोई इज्जत की चाह नहीं है, लेकिन हमारे ये जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग, ये सारे जवान हैं, 60 साल से लेकर के 90 साल तक लोग इसमें सक्रिय और कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो महामारी हो, जहां भी जरूरत पड़ती है, बॉर्डर में तो हम लोगों ने कार्य किया ही है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो महामारी फैली थी, उस महामारी में ये तमाम जो बैठे हुए मेरे जाबाज सिपाही है, ये चाहे वो SSG में जाकर के लोगों को नाश्ता देना हो, फूड किट देना हो, तो बरोड़ा वासियों को जहां कोई नहीं पहुंच पाता था, जहां लाशों का संस्कार नहीं होता था, उस जगह पे हमारे जवान ने जाकर के ये कार्य किया है। तो इन सबको मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ये कार्य किया है और आगे भी इस प्रकार का हम कार्य करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज का बहुत ही विशेष कार्यक्रम जो कि हमारी कलरव संस्था के बच्चों के लिए और पाठशाला.com के अंडर प्रिविलेज बच्चों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए लगातार आपके सहयोग से ये छठा सीजन, वर्ष तो वैसे आठवां है क्योंकि कोरोना ने 2 साल गैप कर दिया, ऐसे ही अगली 7वीं सीजन में हम सब आपसे रूबरू होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद किया होगा, इंजॉय किया होगा। अगर मेरी शब्दों के साथ सहमति है तो एक बार पूरी एंटायर टीम के लिए आपकी ज़ोरदार तालियां और विशेष तालियां आरिफ खान साहब एंड बीना खिमानी जी के लिए जो कि K&K Ad 1 को रिप्रेजेंट करते हैं और इतने सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहां समाप्त करते हैं, आपसे अनुमति आज्ञा और इजाज़त चाहते हैं। शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट, बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।